इधर का ये वाला है। कि कैसे पता चला तुम्हें इधर का ये वाला है? मैंने पर्दे लगवाए हैं खुद जाके बनवा के। मेरा पॉइंट ये था कि लगाने के बाद मुझे बोला अरे ये तो यहाँ का नहीं था वहाँ का था, निकालिए लगाइए। अपनी जेब ठीक करो फटी हुई। जिनकी जेब में पैसे होते ना उन्हीं की फटी होती है। दोस्तों आप पैसे जरूर देख लीजिए कितने हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगला दिन शुरू हो गया है और दिन की नई मुसीबतें और काम दोनों शुरू हो चुके हैं। तो ये रहा अविनाश जो कि यहाँ पे काम कर रहा है। मैं भी हाय कर दो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं कह चुकी हूँ। कह चुकी हो? हाँ। तो मैं नहीं कह सकता दोबारा? नहीं नहीं, बस हेलो हेलो कर दो। हेलो हेलो, ठीक है। हाँ, घर में काम चल रहा है, दोबारा से काम शुरू हो गया। बिकॉज अब ये वाला काम तो खत्म हो गया, इसकी सफाइयाँ तो हो ही रही है, मतलब धीरे 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 करके लगे हुए हैं। ये वाला रूम साफ हो चुका है, मतलब एज इन छोटी मोटी सफाई रह गई है, लेकिन आपको मेजर में दिखा देती हूँ कि अब क्या हो रहा है। सोफा क्लीन हो रहा है, तो वहाँ का रूम सारा क्लियर हो चुका है, लेकिन अब सोफे की बारी है। तो सोफा की डीप क्लीनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंडी चेरी ऊपर चढ़ के चाटती रहती है। सबसे ज्यादा तो ये बदतमीज, ये बेशरम कहीं की है ना, जो ये सबसे ज्यादा सोफा चाटती है, उसकी वजह से ना सोफे पे आप ऐसे दाग धब्बे देखोगे। अभी आपको दिखाती हूँ। मेरे चेहरे बैठा मम्मा का बेबी नाई नाई करके बैठा है, सुंदर लग रहा है। ये हो रहा है सोफा क्लीन। तो बेसिकली क्या होता है कि कैंडी हमेशा, ये देख रहे हो आप दाग धब्बे, ये कैंडी की वजह से छोटे 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 ये से ना जीभ से चाटती रहती है। तो अब इसकी सफाई जरूरी है। आई थिंक आज तो ये नहीं होगा ना, सूखेगा नहीं ना, तो आज ये नहीं सूखेगा। और यहाँ पे अमिता अपना काम कर रही है। मीनवाइल अविनाश ने बीच में ऑर्डर कर दिया है कि चाय चाहिए। अमिता के पास कुछ नहीं बचा कहने के लिए, तो अमिता चाय बना दे थोड़ी थोड़ी। अब टाइम आया है कि मैं अपनी चीजों को समेटूंगी धीरे धीरे। ये देखो अभी तक यहाँ पे रखी हुई है चीजें, ये देखो कैसे कचरे की तरह। यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है, ये देखो। तो साथ साथ सारा घर का काम चालू हुआ है, सुबह से लगे हुए हैं काम करने के लिए, और काम आज खत्म नहीं होंगे क्योंकि अब थोड़ा सा डीप और क्लीनिंग होगी। मतलब सफेदियां जो हो जाती है तो उसके बाद भी आपको दिखता है ना, जैसे मिरर्स पे मैं देख रही हूँ कि काफी कुछ गंद लगा ही हुआ है। दो वो बहुत अच्छा क्लीन करके गए हैं लड़के, लेकिन स्टिल अब हमारी तरफ से जो हमें करना है वो तो करना ही है। और दर्द हो रहा है बेबी, एक सेकेंड पकड़ना बेबी, दर्द हो रहा है। क्या हुआ? अभी तो मुझे बोल के गई थी खाली हेलो हेलो बोल दो, कैमरा में पकड़ूं? क्यों पकड़ूं? दिखाया ना बेबी, काम भी कर रही हूँ ना सुबह से। कौन सा काम? वो सीने आ रहे हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं घर में अभी आया हूँ और मुझे पता नहीं तुमने क्या काम किया है। मैंने काम नहीं किया है। क्या काम किया है? अभी वो आया था अपना, नाम ही नहीं पता जिसका, उसका क्या काम किया है तुमने? अरे क्या कहते हैं उसको, पानी साफ करने वाला, जिसको कहते ही क्या ये नहीं पता, तो क्या काम किया तुमने? उसकी सर्विसिंग हुई है, वहाँ पे खड़ी हुई थी मैं। किचन में कहाँ गंदा पानी जमा है? अरे भाई वाटर प्यूरिफायर। तुम कह रही हो किचन का पानी साफ करने आया? देखा कोई आ गया। अब ये जो घंटियाँ बार बार बज रही है, ये कौन कर रहा है काम? मैं। दरवाजा खोलने का काम चौकीदार हो गई है। तो कर्टन्स भी आ गए हैं मेरे ड्राई क्लीन होके, मैं बेबी लगा देगा। कब लगाया मैं बेबी कर्टन? मुझे भी नहीं आते ना लगाने, मैं कैसे लगाऊं? नहीं तो मैं आते हैं लगाने, मुझे नहीं आते बेबी। आते हैं। कर्टन लगाना मुझे सबसे घटिया काम लगता है। काम घटिया हो या अच्छा हो, लगाना है तो लगाना है, ठीक है ना। ये बालों का क्या किया हुआ है? बाल कटाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, देख रही हूँ। बस हो गया, कंप्लेंट शुरू हो गए ना, जैसे मैंने बालों को ना हाथ लगाया ना, ये बालों का बाल नहीं कटा पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। तुम काम थोड़ी हो। देखो उनके भांजे भतीजे आ गए। क्या हो गया कोको? क्या हो गया बेटा? इसको मैं सोच रही बेबी नहला ही देती हूँ, जब तक चाय बनेगी ना मैं नहला भी दूंगी। इसी में इसको भी नहला दूंगी? नहला देती हूँ ना बेबी फटाफट। मेरे को ना नहीं अच्छा लग रहा है इसको देख के, देखो ना कैसा बना हुआ है। तो ये देखो तीर कमान निकले हुए हैं यहाँ से, ये देखो। एक काम करो ना, इसको सोफे वाले के सामने फेंक दो ना, वो जिससे ड्राई क्लीन कर रहा है, शैम्पू वैम्पू करके जो निचोड़ रहा है वो इसी में साफ कर दे। अरे नहीं नहीं, दो मिनट में नहला के लाती हूँ उसको, है जाओ। इसको भी डाल दो वॉश बेसिन में वही। नहीं इसको मैं सबसे लास्ट में नहलाऊंगी। यहाँ तो भगदड़ मचा देगा पूरे कमरे में। नहीं नहीं तो मचाएगा। तो जी सोफों की क्लीनिंग तो हो गई है, और उसमें से जो कचरा निकला है वो आपको दिखा देती हूँ। जरा देर दिखाना, हिलाना इसको। वैसे तो जिस तरह से सोफों की हालत थी उस तरह से तो कचरा कम ही है, बट नाउ ये जो नीचे नीचे जो निशान है ये क्या है? ये हाँ, ये मैम वो नीचे का जो होता है ना रेड रेड कलर का आता है, वो वाली निशान है, वो सोफा का टूट जाएगा। तो आपका काम हो गया ये? अभी कितना टाइम अब इसको सूखने के लिए चाहिए? 5-6 घंटा।
बेबी ये क्या हो रहा है? बेबी एक छोटी सी गेम खेल रही हूँ, बस थक गई थी इसलिए। थक गई थी इसलिए गेम खेल रही हो? हाँ। तुम तो ऐसी हो जो खेलते खेलते थक जाओ। देखो कितने पॉइंट्स बना लिए, देखो मेरी मछली, मेरी मछली तुम्हारे आते ही मेरी मछली क्रिटिकल हो, मेरी मछली। अच्छा बेबी तुमने म्यूट किया हुआ है कि मुझे अंदर पता ना चले कि तुम गेम खेल रही हो। नहीं नहीं बेबी तुम कितनी चंट होती जा रही हो दिन पर दिन यार, कैंडी वाला दिमाग होता जा रहा तुम्हारा। चेरी जैसी बनो, साफ सुथरी और भोली। मैं भोली हूँ। पीछे सोफा गीला है, धुलने को गया धोके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने यहाँ से फाड़ भी दिया। बेबी क्या बात है, ये देखो। हाँ ये तो फटा नहीं था बेबी, अभी तो अभी देखा है। मैंने कहा तुम्हें दुख होगा, फिर मैंने बोला नहीं इसको ना। हाँ। ऐसे ही कुछ लाके और इसको कुछ सिल दे या चिपका दे, कुछ यही हो सकता है, कुछ नहीं। वो हार्ड मार के चला गया, कुछ शिकायत करूँ इसकी? छोड़ो यार जाने दो। क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या कर रही हो बेबी? हेलो, इसमें ना तुम्हारे ऊपर पूरा कपड़े का स्टैंड गिरेगा। ये निकाल लोगे तो मैं वो कर लूंगी। क्या कर लूंगी? वो निकाल दो। अरे वो क्या? अरे जो लोनावला से लाए थे ना चीजें। हमेशा मेरे से पहेली में बात क्यों करती हो? वो निकाल दो तो उसको ये करके वो दे देना और ये ले लेना। देखो क्या करूँगी, सारे कपड़े गिराओगे। ये था ना ये गमले बिमले ये सब सजाना है ना। हाँ, तो मैं क्या करूँ इसमें? अरे अब ये है ना कि इसमें पौधे वौधे भी तो लगवाने पड़ेंगे, पौधा नहीं लगेगा ऐसे ही रख दे। और भी थी ना चीजें, तो और भी थी ना मीता, एक तो ये थे और क्या क्या था? यही खाली है सब, बर्तन तो अंदर चला गया, बस इतना ही है। वो जो पीछे पीपल निकल रहा है घर के पीछे, वो तोड़ के लगा दो ना इसमें। हाँ बेबी उसको काटो, पता है जड़े खोद देता है वो। हरकी के कैचे मेरा बच्चा सो रहा है, ये भी इसका धुलने वाला हो गया बेबी। मेरा बीट है। मतलब देखो हम बेबी ऐसे साथ में ना बैठे, मैं तुम्हारी गोद में बैठी हूँ ना। मतलब इसको उसी वक्त खेलना होता है जब हम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। और जैसे हम लोग ऐसे बैठे हैं ना दो मिनट के लिए, मियां बीवी प्यार कर रहे हैं, तो ये देखो ये होते हैं नामाकुल बच्चे। हम मतलब साथ में नहीं बैठे हैं? आ जाइए तेरे को, मैं इस टाइम क्यों खेलूं? चेरी देखो कैसे देख रही है उसको। मैं बैठूंगी। काटेंगे फेंक देंगे, खाना नहीं देंगे, बांध के रखेंगे। कितने क्रूर बाप हो तुम। बच हो गया, सीधा हो गया, बच बच, अब तो इधर से रह गया बेटा, ज्यादा नहीं रहता है। हो भी गया बेटा, हो गया। चलो झाड़ लो बैठ जाओ, देखो बैठो जा मेरा बच्चा, जा मेरा कुटल्लू। अब क्या ले आई हो ये पर्दा? बे मुझे 10 मिनट आराम तो करने दो अभी। ये काम नहीं, आराम का टाइम नहीं है, काम खत्म होगा उसके बाद आराम करते रहो। मैं कोई प्रो नहीं हूँ पर्दे लगाने में, कोशिश करूंगा, लग गया तो ठीक है। खुद तो तुमने रिक्लाइनर खोल के लेट गई हो है? नहीं नहीं मैं तो पर्दे खोल रही थी, रिक्लाइनर खोल गया। ये तुमने खाली पैर खोले अपने। मैं तुम्हारे साथ लगवाती हूँ, भारी है बेबी। तुम क्या कर रही हो? अरे पर्दे लगवा रही हूँ ना तुम्हारे साथ। कौन सा? इधर का ये वाला है। ये कैसे पता चला तुम्हें इधर का ये वाला है? मैंने पर्दे लगवाए हैं खुद जाके, बनवा के सिलेक्ट किया था, इसमें ये बुरा वो रहेगा। मेरा पॉइंट ये था कि लगाने के बाद मुझे बोला अरे ये तो यहाँ का नहीं था वहाँ का था, निकालिए लगाइए। पहले अपनी जेब ठीक करो फटी हुई। जिनकी जेब में पैसे होते ना उन्हीं की फटी होती है। दोस्तों आप पैसे जरूर देख लीजिए कितने हैं। इसके सोफे पे पैर मत रखना। किसके सोफे पे? मतलब सोफे पे। बारिश भी अभी होनी थी, बताओ बारिश कैसे हो गई भाई अचानक? ये तो बारिश का मौसम ही नहीं था, अभी तो धूप थी, मैं पसीने में ये मछली खेल रही थी, अचानक बारिश हो गई बेबी। हाँ। इसके बाद कैन वी गो आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी? अब तो रोमांस ही रह गया ना ये पर्दे लगाना। थोड़ा सा लेट कर दो, मैं कॉफी पीने चल दो बेबी, थोड़ा सा कॉफी पिला दो। मैं नहीं जा पाऊंगा, अच्छा नहीं लग रहा बेबी घर पे। और पहले ऐसे कोको को हटाओ, पैर काट रहा है मेरा वो। मैं पर्दा कैसे लगाऊं जब काम की जगह पे वो आ जाता है पैर काटने के लिए? बेबी लास्ट टाइम पर्दे किसने लगाए थे पता नहीं, क्योंकि ये लगाना बहुत मुश्किल है, हम नहीं लगा पाएंगे। इजी है? इजी है तो लगाओ ना, मुझे क्यों दे रही हो बेबी? तुम्हें पहला काम दिया घर का, मैंने पहला ही काम बस, और पीछे से जाके उसके धागे अंदर डाल देने, और क्या करना है? अरे कैक्टस घुस गया पीठ में। कैक्टस घुस गया? हाँ। कहाँ से? ये क्या है? ये तो जरा सी बात है, ये तो ले लो, कैंची देना बेटा। नहीं नहीं ये हाथ से नहीं लूंगी। पर्दा तो नहीं काट दिया? नहीं नहीं लेकिन ये निकल क्यों नहीं रहा है? काटो, उधर जाओ अब तुम, एक सेकंड नीचे उतरो। मैं कैसे नीचे उतरूं? अरे मेरे को इधर करनी है ना खिड़की। इतनी अच्छी बारिश हो रही है बाहर बेबी, चलो ना कॉफी के लिए। बेबी मेरे को काम है अभी, या तो पर्दे छोड़ देता हूँ, पर्दे कोई और लगा ले, कॉफी पी लेते हम। सारे काम भी मैं ही करूँ, कॉफी पीने भी चलूं, बेबी कैसे सारे होगा? काम तुम सिर्फ पर्दा लगा रहे हो। वाओ बेबी वाओ वाओ वाओ। बाकी का मैंने अमिता को सिखा दिया है, वो लगा देगी। कुत्ता पीछे कुत्ता।
लेके कॉफी, क्विक कॉफी पी के आ जाएंगे। भाई 4 बजे से राइटिंग सेशन है, 5 बजे कर दो। नहीं हो सकता ना। तो दोस्तों अब हो गई है रात और आज है मेरे पापा का बर्थडे, तो हम दोनों ने केक भेजा था पापा को। अब पापा को वीडियो कॉल करेंगे और वीडियो कॉल पे पापा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो आज मेरे पापा हो गए हैं, मैं क्यों बताऊं कितने के हो गए, मेरे से ज्यादा नहीं है, मेरे आसपास ही। उमर से क्या लेना, मेरा काम देखो यारो, यम टिम बिम जम जम, हाय हाय उमर से क्या लेना। सरसों के खेत में जो कीड़ा होता है ना, जो फसल पे घूमता रहता है, अच्छा वो लग रही हो। पापा केक काटो, केक किधर है? उमर छुपा रहे थे पापा की। फूक मारो, फूक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। गाओ गाओ। हाँ ससुर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। खा लो पापा, खुद खा लो केक। हाँ खुद से खा जाओ। अरे पापा मैं मजाक कर रही थी, हमने का भी खिला बतानी। अरे तो पहले कैमरा तो घुमा लो अपनी तरफ। सोफे को खिला दिया क्या? अरे वाह, ये अमन के लिए, प्रतीक के लिए, अविनाश के लिए, संभावना के लिए। थैंक यू पापा। जन्मदिन तुम्हारो, मिलेगा केक हमको, बधाई हो बधाई। जन्मदिन तुम्हारो, बधाई हो बधाई। जन्मदिन ठीक है, सब एंजॉय करो। तो घर पे बात हो गई है, पापा का अच्छा सा वर्चुअल हैप्पी बर्थडे मना दिया है हमने। अब हो रही है सोने की तैयारी, चेरू मामा आ गया है। ये मेरा रजाई बनेगा। आज बहुत दिनों के बाद चेरी नहाई है, क्योंकि 3 दिन से 4 दिन से इसको नहला नहीं रहे थे, बिकॉज व्हाइट वॉश चल रहा था, तो कोई फायदा नहीं है। आज जाके नहाई है, आज कोको भी नहाया है। और लोग आज पता नहीं बहुत थक गए हैं, छोटी छोटी चीजें कर करके घर की बहुत थक गए हैं। ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं इमीडिएटली सोने जा रही हूँ। आई डोंट नो अबाउट, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं भी सोऊंगा। सो रहे हो? ठीक है, तो आपको मिलते हैं हम कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल विच इज संभावना शेट एंटरटेनमेंट। हाथ जोड़ के दोस्तों, हाथ जोड़ के हमारे व्लॉग्स को पसंद करो। अब बाद में चेरू ने भी अपने नाना को विश किया, पता है? पापा ने आवाज दी ना, तो ऐसे देख रही थी। अरे मेरा भालू, अरे 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 अरे, आज मैं चेरी को ना थोड़ी देर दबाऊंगा। हम दोनों मिलके दबाएंगे, दोनों मिलके चेरी को थोड़ा सा दबा डालते हैं, दबाएंगे थोड़ा सा।